इसमें दूध। ऐसे मत कर भाई, ए भगवान। यहाँ पे चने दे रहे हैं, बहुत सारे हैं भाई। आ गए हम लोग टीडीआई मॉल, ये भी पहली बार आए यहाँ टीडीआई मॉल में। फाइनली गाइस एक दुकान मिल गई। जल्दी आना। बाय चट चट। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। कान्हा जी गए हुए हैं अभी अभी बाहर, क्योंकि वो कुछ सामान लेके आ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग कुछ खुरापात चलती रहती है। तो मैंने कहा जा भाई ले आ, और जल्दी पता चलेगा आपको कि क्या कर रहा है अपने जो वो लेके आ रहा है सामान के साथ। और आज है संडे, बच्चों की है छुट्टी, खुशी कान्हा और इनकी छुट्टी नहीं है भाई, ये तो गए हुए ऑफिस। तो सोचा काम वाम करके तब जाके मैं आपसे मिलूंगी। तो टाइम हो गया है 10 और मेरा काम भी सब खत्म हो गया है। खुशी अपना पढ़ाई कर रही है, तो चलिए तब तक कान्हा जी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आ रहा है। तूने ही तो करी है। मिला सामान? ओरियो। चल सो गाइस कान्हा लेके आया है ओरियो, देखते हैं इसका क्या बनता है। 10 रुपए की आइसक्रीम ले आते, 10 रुपए की चॉकलेट से बढ़िया तो 10 रुपए जा रहे हैं। नहीं नहीं ध्यान दो गाइस, देखिए ओरियो आ चुका है गाइस, स्पेस हो जाएंगे हम, स्पेस दो। सबसे पहले हम डालेंगे गाइस इसके अंदर ओरियो। हम बनाने जा रहे हैं ओरियो शेक। वो टूट ही जाएगा उसमें, तोड़ना तो पड़ेगा। यहाँ सारे डाल दे, एक चॉकलेट डालेंगे अब। खुशी करेगी, तू रहन दे कन्नू। हाँ? आज तू क्यों बन रहा है भाई शेफ, क्या देख लिया तूने ऐसा? हेलो इसमें दूध, मीठी चीनी, कितना 2 चम्मच, स्वाद अनुसार चीनी ले, जिस जो ज्यादा खाता है कम खाता है। गाइस इसको प्लग इन कर लेते हैं। ऊपर से निकल गया। हाँ वो निकलता है थोड़ा, बन गया। ओ वाव, हमारा बन गया है ओरियो मिल्क शेक। चॉकलेट रहेगी, बढ़िया बढ़िया ढाल ढाल, मेरा ये मेरा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, और दूध जाएगा नू। ऐसे बात करो, कर रही है ना, क्यों परेशान करते रहते है तुम। सो गाइस लो बन गया है इनका ओरियो मिल्क शेक। ये है, खुशी ने ले लिया अपना, ये ले, ये कान्हा जी का। मुझे तो पसंद नहीं है, बच्चों को ही पसंद है। टेस्ट कर कैसा हो रहा है। सही हो रहा था जी? हैं? मेरे को टेस्ट करा था। अच्छा हो रहा, खुशी मेरे को यार खड़ा तो अच्छा लग गया। थैंक यू, मस्त हो रहा है, आप भी बनाओ अपने घर में। 3 hours later आ गया। अरे 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 ऐसे मत कर भाई, ए भगवान। पहले नाम देख ले मेरा ही, किसी और का तो नहीं आ गया। छोड़ ऐसे लड़ाई मत करो। ये देखो गाइस इसका खेलने का आया हुआ है ना कुछ ये। अरे दिखा 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 दिखा, ये बिल मेरे को दे। अरे रुक तो भाई, रुक जा। दिखा दिखा दिखा, 2 पैकेट है क्या? 112 काट चुका। ये 2 क्या है, ये क्या बीमारी है? बीमारी है ये, कोरोना वायरस। क्या है ये, इसमें क्या करते हैं? ये वो है ताश के पत्ते? नहीं हाँ, ताश के पत्ते पर नए जमाने के बच्चों के ही है ना। पक्का? दिखा ये वाले, दिखा। सेम ही होते हैं मम्मी सर। अच्छा नए जमाने के ताश के पत्ते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा गेम आ गया बच्चों का है, क्या बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, कान्हा के स्टार्ट टूट गए हैं तो लेके आते हैं। चलो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं आज? नहीं रोड तो है बट थोड़ा सा अलग रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। गए हम NH1 पे। यस ये है NH1 पे आ गए हम लोग गाइस। अब यहाँ से आगे का सफर ये है चंडीगढ़, पानीपत और दिल्ली को जाने वाली रोड आगे से कट हो रही है गाइस। ये है हनुमान जी का मंदिर,
हरमान चौक। अब यहाँ से हम नीचे को चल दिए दिल्ली रोड पे। सामने है अशोका बिल्डिंग, अशोका यूनिवर्सिटी। पहले यहाँ पे एक छोटा सा गांव होता था, अब यहाँ पे पूरा बन गया है। यहाँ पे चलान भी कट गया भाई, दो जनों का चलान कट गया वहाँ पे। हाँ, आगे से जो बाइक में जा रहे हैं ना वो लड़के ही बना रहे वीडियो। अब ये हेलो, ऐसे मत कर। यहाँ पे केले वेले डाल रखे हैं। वो तो पागल, इतने नजदीक मत आओ यार। ये देखो रोटी पी रहे वो, यहाँ पे चने दे रहे हैं। चलो ये कुछ नहीं बोले यार इसने, और कितने सारे बैठे हैं वहाँ पे। गाइज हम लोग निकल चुके हैं अब कुंडली के लिए। आ गए हाईवे पे, आपको साइन बोर्ड दिख गया होगा, और बहुत गाड़ियों की आवाज़ हो रही है भाई, बहुत तेज। आई होप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। सो गाइस आ चुके हैं, गाइस देखिए हमारे सामने है राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। गाइस इन्होंने यहाँ पे आना, सैटरडे को इनका मैच है यहाँ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। ये देख, ये लिखा है, ये लिखा गाइस MNSS राय। यहाँ पे आना काना ने सैटरडे को। गाइस बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं, और ये देखो बहुत सारे हैं भाई, एक से एक बाइक है इनके पास। जय हो प्रभु। ये कौन सा मंदिर है इतना बड़ा? गाइस ये है TDI मॉल, बहुत फेमस है। अब देखते हैं इधर मिलता है या नहीं, है ना, अंदर जाके। हाँ है तो वहाँ पे लिख, कॉम्प्लेक्स लिखा है वहाँ पे, सिनेमा भी है यहाँ पे। तो गाइस आ गए हम लोग TDI मॉल, अब देखते हैं। देखो नाइकी लिखा है इधर, हो गए कैंपस है, नाइकी है, पूछना पड़ेगा स्टर्ट्स का। तो हम लोग आगे इधर, इधर है थिएटर, यहाँ पे टिकट बुकिंग होती है। गाइस यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा तो पता चल ही जाएगा, पूछते हैं अंदर जाके। गाइस इधर एंट्री करते हैं, इधर तो खाने की चीजें हैं। उधर 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 चलो, उस साइड। हाँ हो रहा है स्पोर्ट्स। गाइस इस शॉप पे भी कुछ नहीं है, और इधर तो कपड़ों की शॉप है। वहाँ पे बास्केटबॉल रखी हैं, उसके शूज रखे हैं, नॉर्मल शूज रखे हैं। गाइस ये भी पहली बार आए हैं यहाँ TDI मॉल में। TDI मॉल बोलते हैं, मतलब ये मॉल जैसा तो दिख नहीं रहा, लेकिन सारा सूना पड़ा है। ये देखो ऊपर से खुला आसमान, सब खुला ही खुला इधर। कितना बड़ा रैकेट रखा वहाँ पे, देख खाली का रैकेट, खाली का रैकेट। ये फाउंटेन सूखा पड़ा है यहाँ पे। आगे पूछते हैं, आगे कुछ मिलेगा तो। अरे तो ऐसे ही है यार, TDI नाम ही नाम है बस, कुछ नहीं है गाइज यहाँ पे, खाली पड़ी है। आधे से ज़्यादा दुकान है तो खाली पड़ी है। चलिए गाइज चलते हैं, इधर कुछ नहीं मिला हमें। ये देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, अंदर सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। खाली दुकान के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। एक स्पोर्ट्स की दुकान है, वहाँ खाली बास्केटबॉल का रखा है सामान। अब जा रहे हैं, देखते हैं कहीं और। TDI खाली, मैं सोच रही TDI क्या होगा, इतना TDI में BDI भी नहीं है। मैंने कहा TDI इतना हो रखा था, है ना, कुछ भी नहीं है। मैंने सुना नहीं, मतलब TDI के नाम सुना है मैंने, देखिए उसमें आता है सर्चिंग में। जब TDI सिटी घूम के आते हैं कुंडली, हम लोग कुंडली में आए हुए हैं, TDI मॉल में आए थे, अब वहाँ तो कुछ नहीं मिला, सिटी घूम के आते हैं थोड़ा। ये एंट्रेंस है TDI सिटी का, कुछ नहीं है गाइस यहाँ, खाली पड़ा है, खाली प्रॉपर्टी वाले ही हैं और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी भी भर देंगे फिर, इनको सामान लेने सोने पर जाना पड़ेगा। ये सारे प्रॉपर्टी वाले ही हैं सारे, बिल्डिंग है टेढ़ी मेढ़ी। चलो गाइस अब चलते हैं। ओए यहाँ कितनी सारी बिल्डिंग है, बाप रे, अपार्टमेंट जैसे लग रहे हैं सारे। यहाँ पे लिखा तो है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लिखा ना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। फाइनली गाइज एक दुकान मिल गई, आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ। साइज का इशू आएगा मैम, अभी नीविया होगा मेरे पास, नीवा ही होगा। हाँ छोटे साइज में निकलते ही वो है मैम, बाकी 7 नंबर 8 नंबर होंगे वो इसके 3.5 ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं। ये नहीं होंगे, नहीं 3 नंबर आता है सीधा और 4 नंबर आता है। अच्छा
इसमें कान्हा इसमें देखना है बता, सोच निकलता है अच्छा है, केक वगैरह में भी बढ़िया रहता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो गाइस एक दुकान तो मिली बट इसका साइज नहीं मिल पाया और ना इसको थोड़ा पसंद भी नहीं आया। निविया के तो पहन रखे बोल रहा है, निविया अच्छा था पर अच्छा है वो, बट इसको थोड़ा दूसरा चाहिए, नंबर भी नहीं था। हाँ एक ही नंबर था। चलो कोई नहीं, चलो आगे खोज। ये भैया भी अपने काम पे लगे हुए हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं घर वापसी, इधर भी दिखेगा कहीं पे तो मैं बताऊंगी तुमको, ठीक है। इस साइड में दिख रहा था मेरे को एक बार पहले जब हम आए थे ना दिल्ली से, पलवल जाती है, मानेसर जाती है, ये वाली रोड पलवल वाला पानीपत। देखो जुगाड़, पांव से धक्का दे के जा रही है गाड़ी। गाइस थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं भाई, वो बहुत दूर से आया ना, कमर में दर्द हो गया। ये देखो ये बैठे हुए पांडे जी, अरे छोटे चुलबुल पांडे, कितने खड़े हो रहे हैं इसके बाल। चलिए जी चलते हैं, आ जा कान्हा तू, बस स्टॉप पे रहता है, राडधाना बस स्टॉप है ये रहा राडधाना बस स्टॉप। मस्त लग रहा है ना गाइस, हम लोग आ गए मॉडल टाउन कान्हा के चक्कर में। छोले भटूरे बोल रहा है कान्हा, आप पता नहीं कहाँ मिलेंगे, यहाँ है क्या चाइना फास्ट फूड? इधर तो फास्ट फूड है भाई, तो सारे मोमोज वाले हैं और वो हैं फ्राइड राइस ना क्या बोलते हैं उनको, फ्रेंच फ्राइज वाले ना। ये जूस कॉर्नर है नहीं, फूड है, फूड है, फास्ट फूड नहीं है भाई। इधर ये गाइस कुछ नहीं मिला ना कान्हा के स्टार्स ना भटूरे, यहाँ पे कुछ हो रहा है। कहीं भी कुछ नहीं मिला, अब जा रहे हैं घर को, जैसे गए थे वैसे आ रहे वापसी। यहाँ तो नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं है यार। भिंडी आलू प्याज खाएंगे भिंडी खाएंगे भिंडी खाएंगे आज तो, अब क्या करें, भिंडी आलू प्याज बोलो, भिंडी आलू प्याज। जब पेट्रोल हो गया खत्म, कुंडली से आते आते पेट्रोल भरवाते हैं गाइस, आ गए घर पे। कुंडली में कुंडली भी नहीं मिली ना, क्या करे आज नसीब खराब कान्हा का। कान्हा बोला छोले भटूरे ले जाएंगे, छोले भटूरे भी नहीं मिले, यही मिले 10 वाले, अब यही खाओ।